खराब खानपान और खराब लाइफस्टाइल से आजकल देश में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुरुषों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो सांस लेने से संबंधित हो, तमाम बीमारियां हो जो पुरुषों से संबंधित हैं, कैसे उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उससे निजात पाई जा सकती है, आज बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय तार, प्राकृतिक चिकित्सा की मदद से कैसे पुरुष अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। जी धन्यवाद। आजकल गुप्त रोगों के नाम पे इतनी बड़ी लूट मची हुई है जिसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते। जहाँ देखो सेक्स समस्याओं को लेकर के, पुरुष रोगों को लेकर के, इतने दिन ये दवाई खा लो, इतना पैसा भी खराब कर रहे हैं, इतना समय भी खराब कर रहे हैं और किसी को बताते भी नहीं। ये सारे काम होते भी गुपचुप तरीके से हैं, किसी को पता भी नहीं रहता घर में कि कितना पैसा हमारा खर्च हो रहा है इन सब चीज़ों के ऊपर। पुरुष जननेन्द्रिय संबंधी जितने भी रोग हैं प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत इजीली ठीक हो जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ 7 दिन के अंदर अंदर जिनके किसी भी तरह का स्पर्म की दिक्कत है या धातु क्षीणता है या किसी भी तरह के रोग हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों में 13 साल से ऊपर मास्टरबेशन करने की आदत उनको पड़ी हुई है, ये कुसंग के चक्कर में जो पढ़ कर के शरीर की खराबी हो रही है, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है योग और प्राकृतिक चिकित्सा। योग की कुछ क्रियाएं हैं, उसके अंदर मैं कहती हूँ कटी स्नान या टब स्नान। जब जब जागे वासना तब जल में घुस जाए, जो नर जीते काम को वो नर शिव कहलाए। शिव कैसे कहलाओगे? शिव तभी कहलाओगे जब आप काम के ऊपर अपना कंट्रोल कर पाओगे। और इस काम को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जल में घुस जाना। टब ले लो घर में एक, और टब के अंदर 13 साल के बच्चे को बिठाना शुरू कर दो। उसकी धातु है वो नीचे की तरफ क्षीण होती जाती है और 13 साल के बाद हर बच्चे में, हर बच्ची के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो उसको कटी स्नान करवाना शुरू कर दें। अगर बड़ी उम्र का व्यक्ति है तो उसको भी यही करवाना है कि कटी स्नान करवाया जाए, थोड़ा सा फिजिकल वर्क और घर का शुद्ध खान पान, रहन सहन रहे, बाहर का खाना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, इन सब गलत आदतों से बचें, तो आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ बहुत तेज़ी से ठीक होती है कटी स्नान। ये आजकल ये विदेशों में बड़ी अच्छी थेरेपी चल रही है, आपको शायद नहीं पता कि बर्फ़ के अंदर बैठ करके वो लोग कटी स्नान लेते हैं, पूरा बॉडी को आइस थेरेपी करके इसको बोला जाता है वहाँ पे। तो ये भारत की विद्याएं हैं जो चोरी होकर के अब विदेशों में जा रही हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और मेरा मकसद यही है कि हर बच्चा हर बच्ची नेचुरोपैथी की जो क्रियाएं हैं इनके बारे में जाने। कटी स्नान, टब बाथ, हिप बाथ इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये सभी की नॉलेज में होना चाहिए कि पुरुष जननेन्द्रिय संबंधी जितने भी रोग हैं, लेडीज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, इनका एक ही सॉल्यूशन है कटी स्नान, टब बाथ। आधे घंटे के लिए टब में बैठें और सिर के ऊपर एक गीला कपड़ा लपेट लें, हाथ में एक टॉवल ले लें, टब में बैठ करके नाभि आपकी डिप हो जाए पानी के अंदर और उसको पेट को आप रब करते रहें। एक हमारा होता था मेहन स्नान, मेहन स्नान में हम डिब्बा लेकर के अपने शिशन के ऊपर पानी डालते थे और ये बात हमें बचपन से माँ सिखाया करती थी। जब छोटे बच्चे को हम नहलाते थे, नहलाते टाइम सबसे पहले उसके नाभि के ऊपर पानी डाला जाता था, तुरंत बच्चा टॉयलेट कर देता था। तो ये नहाते टाइम आपको क्रिया करनी है मेहन स्नान, कि जब भी आप नहाने लगें सबसे पहले आप इसको अपने पेड़ों को ठंडा करें। तो ये पूरा का पूरा जो शिव विद्या है इसको आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। कायाकल्प में आकर के अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आके करें, अदरवाइज घर में रह करके आप कटी स्नान करना शुरू करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो आपके जरूर काम आएगी। ऐसी तमाम वीडियो के लिए, स्वास्थ्य संबंधी देखने के लिए और खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।